फिर से स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी वर्ल्ड पे। तो दोस्त, मैं बात करने वाला हूँ आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के हो रहे मुकाबले के बारे में। जो 3 मैचों की सीरीज खेला जा रहा है, तो दोनों जिसमें 2 मैच हो चुका है, तो 2 मैच जो हुआ है उसमें दोनों टीम अपने अपने नाम पर एक एक जीत दर्ज कर लिए हुआ, और लास्ट मुकाबला होने वाला है 7 तारीख को। उसके लिए दोनों टीम अपना 100% देगी, और जो जीतेगी वही इस सीरीज का विजेता बनेगा। तो अगर बात करें इस मैच के बारे में, तो ये मैच होने वाला है महिंद्रा राजपक्षे क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड श्रीलंका में। तो ये जो ग्राउंड है वो श्रीलंका का होम ग्राउंड है। और इस दोनों टीम के बारे में बात अगर करें, तो दोनों टीम के बीच में 5 मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों टीमें 2-2 मुकाबले जीते हैं और 1 का रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्त, आप नए हैं, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। चलिए बात करते हैं हम लोग प्लेयर के बारे में, जो अफगानिस्तान के प्लेयर के बारे में बात करते हैं, कौन अपना कितना परसेंटेज दिया है। तो अगर बात करें गुरबाज के भाई, तो गुरबाज फर्स्ट मैच में 14 रन और सेकेंड में 2 रन, जो कि काफ़ी फ्लॉप गया है दोनों मैचों में। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें आयुष जदरान क्या, तो आयुष जदरान फर्स्ट मैच में 98 और दूसरे नंबर मैच में 54 रन के शानदार पारी खेल के अपनी टीम को दिया है। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें आर शाह का, तो आर शाह फर्स्ट मैच में 55 और सेकेंड में 36 रनों की पारी शानदार खेली है। और तीसरे चौथे नंबर की बात करें एच शाही, जो कैप्टन है अफगानिस्तान का, तो उसने भी फर्स्ट मैच में 38 और सेकेंड में 57 रनों की शानदार पारी खेली है। और पाँचवें नंबर बात करें मोहम्मद नबी, जो मोहम्मद नबी ऑलराउंडर है, तो वो फर्स्ट मैच में 27 रन बनाकर 1 विकेट लिया और दूसरे मैच में 2 रन बनाकर 2 विकेट चटका है। और छठे नंबर की बात करें एन जदरान की, तो उन्होंने 7 और मात्र 2 रन, कोई खास काम नहीं कर पाया अपने टीम के लिए, नहीं योगदान दे पाया। और सातवें नंबर की बात करें उमर जाई की, तो फर्स्ट मैच में 1 विकेट और दूसरे मैच में वो मात्र 28 रन बना पाया है। और आठवें नंबर की बात करें मजीबुर रहमान की, तो 1 विकेट 1 विकेट दोनों मैच में 1-1 विकेट चटकाए हैं। और नौवें नंबर की बात करें नूर अहमद की, तो 1-1 विकेट दोनों मैचों में ये भी चटकाए हैं। और दसवें नंबर की बात करें एफ फारूकी की, तो 2 विकेट और दूसरे मैच में विकेट नहीं ले पाया। और 11वें नंबर की अगर बात करें एफ मलिक, तो दोनों मैच में 2-2 विकेट चटकाए हैं। और वहीं पे बात अगर करें श्रीलंका के प्लेयर के बारे में, तो श्रीलंका के प्लेयर के बारे में बात अगर करें पी निशंका, जो कि फर्स्ट मैच में 38 और दूसरे में 43 रन बनाए हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें डी करुणार्थे, जो 4 और 52 रनों की शानदार पारी खेले हैं। और तीसरे नंबर पे बात करें कुशल मेंडिस, जो फर्स्ट मैच में कुछ खास तो नहीं कर पाया था और दूसरे मैच में 78 रनों की शानदार पारी खेली है। और चौथे नंबर की बात करें जो एस समरविच, जो है जो 44 रनों की पारी खेले हैं। और पाँचवें नंबर की बात करें सी असलंका, जो 91 और 6 रनों की पारी खेले हैं। और छठे नंबर की अगर बात करें डी सिल्वा जी, तो 51 रनों की फर्स्ट मैच में पारी और दूसरे मैच में 29 रन बनाकर 3 विकेट भी चटकाए हैं। और सातवें मैच की बात करें डी शनाका, जो कैप्टन है यहाँ के, तो फर्स्ट मैच में 17 रन बनाए हैं, दूसरे में 23 रन बनाकर 1 विकेट चटकाए हैं। और आठवें नंबर की बात करें विंदु हथरंगा, जो पिछले मैच में इसका वापसी हुआ है, इसको बुलाया गया खेलने के लिए, जो आते ही 29 रन बनाकर 3 विकेट चटकाए हैं, कमाल का अपना प्रदर्शन दिखाया मैच में। और नौवें नंबर की बात करें डी चमीरा, जो कि वो भी पिछले मैच में लाया गया है उसको, तो वो भी 2 विकेट लिए हैं भाई। और दसवें नंबर की बात करें के रजीता, तो वो फर्स्ट मैच में 2 विकेट और दूसरे मैच में कोई काम नहीं कर पाया। और 11वें नंबर की बात करें महेश चिक्चना, जो 1 विकेट लिया है। तो इस तरह से इन्होंने पारी संभाला है और अपनी टीम के लिए योगदान दोनों टीम के प्लेयर ने दिया है। तो आज हम अगर बात करें हम अपने टीम में प्लेयर लेने के लिए, तो किस प्लेयर को किस तरह से हम सजेस्ट करेंगे, और हम अपना ड्रीम 11 जो ग्रैंड लीग जीतना है उसके लिए हमको किस तरह से टीम बनाना है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाया है जो 2-3-3 और 3 के हिसाब से हमने बनाया है। तो 2 हमको रखना है विकेट कीपर, 2 रखना है, 3 रखना है हमको बैट्समैन, 3 रखना है हमको ऑलराउंडर, और 3 रखना है बॉलर। तो चलिए हम रख के देखते हैं कौन प्लेयर को हम कहाँ पर रखते हैं।
हम पहले तो यहाँ पे रखेंगे कुशल मेंडिस को, जो अपने लय में वापस आया है। कुशल मेंडिस को फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पे, कुशल मेंडिस एक एक ये रखेंगे। और दूसरे विकेट कीपर की बात करें गुरुबाज, जो गुरुबाज बहुत बड़ा प्लेयर है, जो दो मैच में फ्लॉप है, अगर हमको ग्रैंड लीग जीतना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो दो मैच में फ्लॉप है तो तीसरे में हम इसको लेंगे, यहाँ पे चांस लेंगे इस पे गुरुबाज पे, आर गुरुबाज पे हम चांस लेंगे, ठीक है दोस्त। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम कहाँ से बनेंगे, जो मतलब जिसको सब लेता है उसको आप भी लीजिएगा तो वो टीम काम नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मनी है, जो लगाते हैं एंट्री फीस लगाते हैं, वही आपका वापस आ पाएगा। इसलिए कि अगर टीम आप बनाते हैं तो कुछ रिस्क लीजिए और कुछ नया कीजिए। चलिए तो हम यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में तो रख लिए कुशल मेंडिस और गुरुबाज को। वहीं पर अगर बात करें बैट्समैन सेक्शन में हम किसको रखें, तो बैट्समैन में हमको रखना है आर शाही को, अफगानिस्तान से आर शाही को हम रखेंगे। दूसरे नंबर पर रखेंगे हम यहाँ पे एच शाहिदी को रखेंगे। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो तीसरे नंबर में हमको इधर रखना है पी निशंका, जो शानदार फॉर्म में चल रहा है, तो पी निशंका को रखेंगे तीसरे नंबर पे। और वहीं पे अगर ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, ऑलराउंडर सेक्शन में हम रखेंगे श्रीलंका के प्लेयर को, तो उसमें रखेंगे सबसे पहले डी सिल्वा, जो बैटिंग का भी चांस मिलता है और बॉलिंग भी करता है, तो वो हमारे लिए बेहतर च्वाइस होगा। और दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो दूसरे ऑलराउंडर को हसरंगा को भी हम रखेंगे, विंदु हसरंगा। और तीसरे नंबर की बात करें तीसरा प्लेयर मेरा कौन होगा, तो तीसरा प्लेयर मेरा मोहम्मद नबी से बेहतर कोई च्वाइस हो ही नहीं सकता है, तो हम उसको भी लेंगे, मोहम्मद नबी। जिसमें हम यहाँ पे दो जो प्लेयर है श्रीलंका से लिए, एक जो है हम इधर से लिए हैं, ठीक है दोस्त। तो वहीं पे अगर बात करें हम बॉलर की, तो बॉलर को हम लेंगे जो कि दो मैचों में दो विकेट फहीम मलिक जो है चटका है, तो हम इसको लेंगे एफ मलिक को हम रखेंगे। और दूसरे नंबर पे हम रखेंगे यहाँ पे जो काफ़ी मतलब इसको रखने के बाद हम दो विकेट को चटकाया है, उसके बाद हम रखेंगे के रजिता को, जो इधर से मतलब श्रीलंका से बॉल कराता है, के रजिता जो फर्स्ट मैच में दो विकेट चटका है, दूसरे में जीरो नहीं चटका पाया, लेकिन तीसरे में भैया ये कमाल करेगा एकदम 100%, ठीक है। और चौथे की तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम रखेंगे भैया फारूकी को, जो फारूकी एकदम बेस्ट और बड़ा प्लेयर है, जो एकदम बड़ा मैच में चलता है, तो हम फारूकी को रखेंगे, एफ फारूकी। इस तरह से हमारा 11 प्लेयर कन्फर्म हो गया। तो इसमें अब हमको मतलब रखना है कैप्टन और वाइस कैप्टन को चुनना है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन है कुशल मेंडिस, कैप्टन इसको बना सकते हैं। उसके बाद आप पी निशंका, इसको भी आप कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद आप बिंदु हतरंगा, इसको भी आप कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद डी सिल्वा, इसको भी आप कैप्टन बना सकते हैं। और कल जो गुरुबाज है, गुरुबाज को भी आप एक एक टीम में आप कैप्टन बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि दो मैच में फ्लॉप है, कल की बड़ा मुकाबला है, तो उसमें हो सकता है चलेगा तो एकदम गर्दा उड़ा देगा भैया, तो इसलिए इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर दो तीन चार अगर बनाते हैं टीम तो एक में ट्राई करना ही करना। और वहीं पे अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन के लिए आपको आर शाह वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कैप्टन मोहम्मद नबी को भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइस कैप्टन में आप एफ फारूकी को भी ट्राई कर सकते हैं, जो ये धीरे धीरे ये जो पिच है, ग्राउंड है, जो स्पिनर के लिए होता जा रहा है, तो इस हिसाब से हम उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर अगर बात करें तो इस तरह से अगर टीम बना लिया है, वहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम दूसरे टीम का अगर बात करें दूसरे का, तो यहाँ पे जैसे हम गुरुबाज को रखे तो गुरुबाज को हटा कर यहाँ पे हम दूसरे विकेट नंबर जो है समा विक्रमा जो है उसको भी हम रख सकते हैं, एस
विक्रमा को भी रख के ट्राई कर सकते हैं, गुरबाज को हटाकर दोनों प्लेयर को रखकर, ठीक है। यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ पे एक आध प्लेयर को आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कल के मुकाबले में कहीं इधर से बदलाव करें अफगानिस्तान की तरफ से, तो वो प्लेयर उसका तो आपको लाइनअप आने के बाद पता चलेगा। तो अगर बेस्ट टीम हुई तो मैं अपना एक बना के बताया हूँ कि इस तरह का टीम हो सकता है, आप इसको इसको लेकर चल सकते हैं और यहाँ इसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। अगर जो सही टीम जो होगा वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया हुआ है टेलीग्राम का, तो उस पर आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आइए, लाइनअप के बाद आपको जो सही टीम है सही जानकारी है वो आपको बताया जाएगा, कौन प्लेयर खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, तो वो आपको वहाँ पर मिलेगा।